ये कब्र यहाँ से शुरू हो रही है और ये इसकी लंबाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कब्र है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिर पेश खिदमत हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के गाँव बरेला शरीफ में, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। तो चलें आएँ, चलते हैं इस दरबार में और देखते हैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की 70 गज़ लंबी कब्र, जो कि तकरीबन 210 फीट बनती है। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिनकी 70 गज़ लंबी कब्र है। तो चलें आएँ, आपके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं। जब आप इस दरबार के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक इमारत नज़र आएगी। इस इमारत के अंदर कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये सारा मदरसे का हिस्सा है। और ये एक मस्जिद है, मस्जिद शहीदा इस दरबार के अंदर ही मौजूद है। इसकी खूबसूरती के लिए और इसको अंदर महफूज रखने के लिए यहाँ पे ये ड्रिल लगाई गई है, चैन लगाई गई है, ताकि लोग इसके अंदर ना आ सकें। उसके अलावा इसमें बहुत सारी खूबसूरत पुरानी आयतें लिखी गई हैं, जिससे और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारी है। इसमें अल्लाह के नाम और आयतें वगैरह लिखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत झालरें लगाई हुई, जिससे और खूबसूरती आ जाती है इस मज़ार के अंदर। मुझे भी पता चला था तो मैं इधर आई हूँ, इससे पहले मुझे नहीं पता था इस ज़ियारत का। और मेरे ख़्याल से बहुत कम लोग होंगे जिनको इस ज़ियारत के बारे में मालूम होगा। और जो हमें गुंबद बाहर से नज़र आया है वो ये रहा, बिल्कुल कब्र के सेंटर में है ये, बिल्कुल ये सेंटर में नज़र आता है। ये देख सकते हैं आप लोग जैसे कि। इसके अलावा यहाँ से देखें आप, माशाल्लाह यहाँ से भी और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ये बरेला शरीफ में मौजूद है, बरेला शरीफ के एक गांव में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे। और ये ज़्यादा से निकलते ही उनके सहन में एक उन्होंने एक और कब्र मौजूद है, जो कि उन इंसान के जिन्होंने यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया, उस बंदे को अहमियत देते हुए उसको इस जगह पर दफना दिया गया है। ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम जितना भी हुआ है सारा इन्होंने ही किया था। तो देख सकते हैं बाबा हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और ये जितना बड़ा आपको नज़र आ रहा है, इतनी ही बड़ी माशाल्लाह से
कब्र मुबारक है। और ये जो गुम्बद मैंने आपको अंदर से दिखाया था वो ये गुम्बद देख सकते हैं आप बाहर से, तो ये कब्र के बिल्कुल बीच में मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है, और ये वो हैं जो यहाँ के खिदमत करते थे और उनके यहीं पे दफनाया गया ताकि उनको एहसाले सवाब मिलता रहे। उसके अलावा यहाँ पे मस्जिद शहीदा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये दरबार शरीफ और मदरसे के बैरून मुल्क से अमदाद करने वाले, ये सब उनके नाम है जो यहाँ पे बैरून मुल्क से सारी अमदाद करते हैं। ये उस मुबारक का मदरसा है, यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ पे पूरा मदरसे का हिस्सा है।